चलिए अब बढ़ते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की ओर, जहां नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजों से बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये जीत ऐतिहासिक है। हम जब से सीएम बने हैं तब से अब तक नगरपालिका और नगर परिषद में ऐसी जीत नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस इसे पुलिस, पैसा और प्रशासन की जीत करार दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय में बंपर जीत, बीजेपी खेमे में जीत का जश्न। सबसे बड़ी जीत का दावा। नगर निगम में चार सीटों पर हार के बावजूद मध्य प्रदेश बीजेपी जश्न में डूब गई है। भोपाल में जीत से उत्साहित कार्यकर्ता पटाखा फोड़ते नजर आए, एक दूसरे को मिठाई बांटी। इस जश्न में बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी के आला नेता और खुद सीएम भी शामिल हुए। सीएम भोपाल में प्रदेश बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता बधाई के पात्र हैं। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का शानदार इतिहास रचा है। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और नगर निगम के चुनाव में सात हम जीत रहे हैं, तीन में कांग्रेस और एक में आप। सीएम ने कहा कि जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि जब से मैं प्रदेश का सीएम बना हूं, तब से प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषद में ऐसी जीत नहीं मिली थी। आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त हुई है। 2003 जब से हमने प्रदेश में सरकार बनाई थी, नगर परिषद और नगर पालिका में ऐसी शानदार जीत इसके पहले कभी हासिल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का एक नया इतिहास रचा है। सीएम ने नगर पंचायत चुनाव के नतीजों पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब तक नगर पंचायत में हम बराबरी पर रहते थे, लेकिन इस बार ये जीत कुछ खास है क्योंकि हमने रिकॉर्ड बनाया है। आमतौर पर नगर पंचायत के चुनाव में बराबरी की स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार 80% से ज्यादा सीटें नगर पंचायत की, नगर परिषद की भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। ये अपने आप में अभूतपूर्व और अद्भुत है। वहीं प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के नतीजों से भी मुख्यमंत्री गदगद नजर आए। नगर पंचायतों में तो शानदार सफलता हमने प्राप्त की ही है, लेकिन नगर पालिका में भी आज 36 की गणना हुई है, गिनती हुई है। 36 में से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 27 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस को केवल 4 में बहुमत प्राप्त है और 5 अन्य जो निर्दलीय है उनके साथ मिलकर भी हम नगर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। नगर परिषद 86 जिसपे आज काउंटिंग हुई है, गिनती हुई है, उनमें से 64 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है। कांग्रेस के पास केवल 8 गई है और 14 ऐसी है जहां इंडिपेंडेंट्स को मिला के हम लोग अपनी नगर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस खेमे में चुनावी नतीजों से मायूसी दिखी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस चुनावी नतीजों को प्रशासन, पुलिस और धनबल की जीत होने का आरोप लगाया। हमने तो 3 सीटें छीनी। बुरहानपुर में हम 600 कुछ वोट से हारे, 388 वोट से हारे। उज्जैन में अभी तक झगड़ा चल रहा है, वहाँ भी 600-700 की हार जीत की बात हो रही है। उज्जैन जैसी जगह ये आज
मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं था। और फिर से मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने पुलिस, पैसे और प्रशासन से मुकाबला किया। खुलेआम नंगा नाच पुलिस, पैसे और प्रशासन का। जाहिर है निकाय चुनाव इस बार बेहद अहम वक्त पर हुए हैं। इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर जनता का मिजाज भापने का मौका माना जा रहा है। ऐसे में नतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सावधान करने वाले हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और वहीं एमपी के निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुशी जाहिर की है। वीडी शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। मेरे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मौजूद है। किस रूप में इस जीत को आप देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में आज परिणाम जो आए हैं वो ऐतिहासिक परिणाम है। और मध्य प्रदेश के नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में कांग्रेस का बिल्कुल सूपड़ा साफ हुआ है और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और नेतृत्व के प्रति विश्वास और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के जो गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, उसका जनमत जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी खाता इस बार खोला। ये कहीं कुछ ये गड़बड़ी हुई है, वो उसको ठीक कर लेंगे। कांग्रेस भी छाती चौड़ा करके घूम रही, कह रही कि वोट शेयर उनका ज़्यादा बढ़ा है। कोई वोट शेयर नहीं है जी। जहाँ पर एक दो अगर मेयर के प्रत्याशी अगर हम लूज किए हैं तो वहाँ पार्षद हमारी बड़ी संख्या में जीत कर रहे हैं। जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन मेयर के चुनाव में भी जहाँ हमने लूज किया है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्षद के सर्वाधिक संख्या में जीत करके आए। लेकिन जहाँ आपने लूज किया, क्या उसके लिए कोई कमेटी भी बनाएंगे क्या? आत्ममंथन ये तो देखिए, जहाँ तो इतने बड़े उसके अंदर हम इतना व्यापक जीते हैं। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के अंदर जो हम जीत करके आए हैं, 86 नगर परिषद में से 64 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। केवल 4 पर कांग्रेस बहुमत के साथ आई है। 36 नगर पालिका में से 27 नगर पालिकाएँ बीजेपी जीत करके आई है स्पष्ट बहुमत में। केवल 4 पर कांग्रेस है। और मेयर के चुनाव में भी 7 पर तो हम बहुमत के साथ जीत करके आई हैं, लेकिन उन जहां पर कांग्रेस अगर जीती है तो वहां पर सर्वाधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीत करके आए। विधानसभा चुनाव जनमत बीजेपी के साथ तो नहीं, क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का सेमीफाइनल था विधानसभा चुनाव से पहले? अरे आप, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उत्सव और उल्लास का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय मिली है। मध्य प्रदेश जीत करने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा हमसे खास बातचीत कर रहे थे। जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया गया है। और इस दौरान निकाय चुनाव के नतीजों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितने उत्साहित हैं सर इस जीत से? कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं? मैं बहुत उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं। नगर निगम में सर, अब अगर आप देखें, ग्वालियर में पहली बार जीते हैं, जबलपुर में कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल, ये तो इतिहास बना है। जो परंपरागत बीजेपी की सीटें थी ग्वालियर और जबलपुर, वहाँ बहुत अधिक वोटों से जीते हैं। सर, पुलिस, प्रशासन और पैसा, इन तीनों शब्दों को आपने खूब इस्तेमाल किया इस चुनाव में। बिल्कुल, क्योंकि बात सही है, जो सच्चाई है मैंने सामने रखी है। चलो चलो चलो, अब ये तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हम बातचीत कर रहे थे और सीधे तौर पर बीजेपी पर यही आरोप लगा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में पुलिस, प्रशासन और पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। विधान सभा के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। तो भोपाल को आखिरकार नगर सरकार मिल ही गई। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मालती राय ने कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल को 98,800 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। और इसी कड़ी में सभी पार्षद और महापौर ने अपने जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए एक साथ नजर आई हैं। न्यूज स्टेट से बातचीत में मालती राय ने कहा है कि शहर में जो भी परेशानियां हैं उनका निराकरण जल्द किया जाएगा और यही नहीं, उनकी प्राथमिकता भी यही रहेगी।
आखिरकार भोपाल की जो नगर निगम की सीट है महापौर की, उस पर मालती राय ने बीजेपी की तरफ से कब्जा किया है और कई पार्षद जीत कर आए हैं। भोपाल के बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे बात करते हैं। काफ़ी मेहनत करी आपने और उसका फल भी देखने को मिला, जितने वोट कई लोगों ने कहा कि जिला अध्यक्ष के वोट आए यहां से, वो तमाम प्रत्याशी जीत कर आए। देखिए, चुनाव सामूहिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लड़ता है और ये जो ऐतिहासिक आशीर्वाद भोपाल की जनता ने हमको दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की जीत है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है और एक ऐतिहासिक बहुमत, मतलब जनता ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया। और निश्चित तौर पर मालती राय जी एक कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव लड़ी थी और एक कार्यकर्ता के तौर पर भोपाल का विकास करेंगे, बिल्कुल विकास करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, शहर की जो सरकार है वो यहाँ पर बैठी हुई है, जो अब पूरी तरीके से जो प्रतिनिधित्व है वो करेगी इस पूरे शहर का, प्राथमिकता कहीं रहने वाली। तमाम पार्षद प्रत्याशियों को आप देख सकते हैं जो कि अब जीत चुके हैं, ये वो है जिन्होंने जीत हासिल करी है। क्या प्राथमिकता रहने वाली है अब आपके क्षेत्र में? वार्ड का विकास करना, जिसमें रोड, पानी और ड्रेनेज की मेन प्रॉब्लम है वार्ड 7 में, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिस प्रकार से चुनाव में जीत हासिल करी है, क्या मतदाताओं का साथ उतना मिल पाया इस बार जितना सोचा था? जी, जितना प्यार और सपोर्ट मिला है, निश्चित तौर पे ये जीत उन्हीं सबके लिए और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी जो महिला प्रत्याशी हैं वो जीत कर आई हैं, यानी कि महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ये माना जाए भोपाल की नगर निगम में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हाँ, बहुत अच्छी दर्ज कराई है, सारे कैंडिडेट जीत के आए भाजपा के, सारे कैंडिडेट बीजेपी की जीत कर आए हैं। कितनी खुशी हो रही है अब आप चुनाव जीते हैं? खुशी मेरी तो छोड़ो, लेकिन मैं मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और हमारी माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्हीं के विकास कार्यों से मुझे ये विजय प्राप्ति हुई। बिल्कुल, विजय प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्रत्याशी हैं जो कि अब जीत चुके हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भोपाल की महापौर यानी भोपाल की राय मालती राय बन चुकी है, भोपाल ने जो राय चुनी थी अब वो मालती राय के रूप में सामने आई है। जीत की बधाई, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं खासतौर पर भोपाल में? ऐसी क्या क्या समस्याएं जो आपने देखी है अब ऐसा लगता है कि इनको मैं जल्द से जल्द सही करूंगी? जो भी प्राथमिकताएं हैं उन्हें हम कहने की जगह करके दिखाइए। अच्छा, ये बताएं, लगातार जब आप चुनाव भी मैदान में उतरी थी, हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस ने कहा था कि हम तो आसानी से चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा राउंड में नजर नहीं आया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था, इसलिए किसी की भी घोषणाएं टिक नहीं पाई। अच्छा, आपके मतदाताओं ने अपनी राय मालती राय बना ली? अब वो तो रिजल्ट ही आपको बता रहा है कि मतदाताओं ने मालती राय को अपनी राय बनाई है। मतलब भोपाल के विकास के लिए हमेशा मालती राय अब आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो भोपाल की जो मेयर हैं मालती राय, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, ये शहर की सरकार है जो शहर की सरकार का निर्वहन करेंगे और शहर की सरकार को चलाएंगे। काफ़ी उम्मीदें हैं भोपाल की जनता को इन तमाम पार्षदों से, महापौर से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद चुनाव हुए हैं और ऐसे में शहर का जो विकास था वो कहीं ना कहीं रुक गया था, इसलिए जनता भी चाहती थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो और वो अपना नेता अपने वार्ड में पाएं। अब शहर को पूरी सरकार मिल चुकी है, देखना ये होगा कि ये सरकार शहर की जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। विजिलेंस प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। तो वहीं ग्वालियर में कांग्रेस ने 55 साल बाद इतिहास रच दिया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सतीश सिकरवार ने बीजेपी के सुमन शर्मा को हरा दिया है और हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने शोभा सिकरवार से खास बातचीत की है। इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा था। मैं बात करता हूं, मेरे साथ नई महापौर बनी शोभा सिकरवार और विधायक सतीश सिकरवार दोनों हैं। शोभा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा और आपको बधाई दे रहा हूं कि आप चुनाव जीत गई, महापौर बन गई। कौन सी क्या बड़ी चुनौती थी इस पूरे चुनाव में जो आपने देखी? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और ग्वालियर में जो विकास को लेकर समस्याएं हैं वही सबसे बड़ी चुनौती थी, शायद इसीलिए जनता ने भाजपा को नकार दिया है और अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है। और कांग्रेस पार्टी के भी सभी कार्यकर्ता, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझ पर जो अपना भरोसा दिखाया। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे महापौर प्रत्याशी के रूप में चुना और जो आज जीत के रूप में एक उभर कर आए हैं। जब आप चुनाव लड़ रही थी तो सतीश सिकरवार जी की तबीयत भी खराब हो गई, बीमार हो गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक बड़ा सपोर्ट आपको मिला,
कहीं लग रहा था कि इस चुनाव में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई? नहीं, पूरी जनता ने चुनाव लड़ा है और एक एक कार्यकर्ता ने सतीश सिंह सिकरवार जी बनकर चुनाव लड़ा है और एक एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है, इसलिए मुझे शायद कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। सतीश जी, एक नया इतिहास आपने ग्वालियर में रच दिया, कम से कम इससे पहले तो किसी ने रच नहीं पाया। 50-55 साल बाद कांग्रेस का महापौर अब बनने जा रहा है, क्या कुछ चुनौती हैं जिसे अब आप पूरा करेंगे? देखो, ग्वालियर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क है, बिजली है, अपना हमारा यातायात है और महिला सुरक्षा का मामला है, ये तमाम सारे मामले हैं। लेकिन जिस अपेक्षा और आकांक्षा के साथ ग्वालियर की जनता ने सुभाष सिकरवार पर भरोसा किया है, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सुभाष सिकरवार कांग्रेस पार्टी जनता की अपेक्षा पर खरी उतरेंगे। इस चुनाव में तमाम बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री लगे रहे, केंद्रीय मंत्री तक लगे रहे, लग रहा है कि जब इस बार कांग्रेस महापौर बना गई अपना, तो आने वाले चुनाव में क्या तस्वीर बनेगी? आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार सुभाष सिकरवार पर भरोसा किया है, कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया है, सुभाष सिकरवार कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा पर खरी उतरेंगी और संगठन जो भी आदेश देगा संगठन के हिसाब से ग्वालियर की जनता की सेवा करेंगी। बिल्कुल, देखिए विधायक सतीश सिकरवार, शोभा सिकरवार दोनों ही पति पत्नी हैं और दोनों ने ही ये चुनाव लड़ा। अब पहली बार कांग्रेस ने एक बड़ा इतिहास रचा है, देखते हैं अब आने वाले चुनाव में क्या तस्वीर बनेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और वहीं इंदौर में नगर निगम में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है। यहां बीजेपी ने एक गैर राजनीतिक उम्मीदवार को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला था, लेकिन बीजेपी का यह दांव सटीक बैठा। बीजेपी उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव रिकॉर्ड 1.25 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज करे हैं और वो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता और निकाय चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार को हराया है। इंदौर में बीजेपी का दांव बैठा सटीक, गैर राजनीतिक कैंडिडेट की जीत। कांग्रेस के मंझे नेता संजय शुक्ला पर बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव पड़े भारी। इंदौर नगर निगम सीट प्रदेश के सभी नगर निगम में हॉट सीट थी। यहां से कांग्रेस ने अपने सबसे मंझे नेता और स्थानीय विधायक संजय शुक्ला को मैदान में उतारा था। संजय शुक्ला कांग्रेस के मंझे नेता ही नहीं बल्कि पैसों के मामलों में भी सबसे मंझे हुए हैं। उनके सामने बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। बीजेपी ने स्थानीय लीडरशिप से उम्मीदवार नहीं लाकर बल्कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को मौका दिया। विशेष वकील पुष्यमित्र भार्गव आरएसएस की पसंद के उम्मीदवार बताए जाते हैं। पुष्यमित्र भार्गव एलएलबी और एलएलएम कर चुके हैं। छात्र राजनीति के दौरान एबीवीपी से जुड़े थे, इसके बाद वो आरएसएस से जुड़े रहे। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। प्रदेश बीजेपी की किसी भी राजनीतिक दूरी रखने वाले पुष्यमित्र भार्गव पर बीजेपी का दांव बड़ा दांव था। इंदौर के गढ़ को बचाना बड़ी चुनौती थी क्योंकि उनके सामने कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता और स्थानीय विधायक संजय शुक्ला को मौका दिया था, जिसे इंदौर शहर में सभी जानते थे। वो एक विधायक ही नहीं, कांग्रेस के मंझे सियासी दांव पे जानने वाले नेता ही नहीं, जिनकी संपत्ति करोड़ों में ही नहीं बल्कि अरबों में है। जबकि कांग्रेस के संजय शुक्ला के सामने पुष्यमित्र भार्गव ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें एक महाधिवक्ता के तौर पर लोग जानते थे, लेकिन एक नेता और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर उनकी शहर में कोई पहचान भी नहीं थी। यही नहीं, संजय शुक्ला का नाम का ऐलान पहले होने से वो प्रचार में भी पुष्यमित्र से आगे थे। वहीं पुष्यमित्र प्रचार में भी पिछड़ गए थे, लेकिन बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव ने सारी बाधाओं को पार कर फतह हासिल की है। उन्होंने मेयर चुनाव में अपनी जीत ही हासिल नहीं की है बल्कि वो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के संजय शुक्ला को 1,32,000 से ज्यादा मतों से हराया है। पुष्यमित्र भार्गव ने पहले राउंड में जो बढ़त हासिल की वो बढ़त अंतिम राउंड तक जारी रखा। 9 राउंड के आंकड़ों पर गौर करें तो पहले राउंड में भार्गव को 25,143 और शुक्ला को 23,402 वोट मिले थे।
दूसरे राउंड की बात करें तो भार्गव को 26,549 और शुक्ला को 20,198 वोट मिले। तीसरे राउंड में पुष्यमित्र भार्गव को 26,264 और कांग्रेस के शुक्ला को 20,301 मत मिले। चौथे राउंड में भार्गव को 26,502 वोट मिले और शुक्ला को मिले 18,994 वोट। पांचवे राउंड में भार्गव को 25,680 वोट मिले और शुक्ला को 19,278 वोट मिले। छठे राउंड में भार्गव को 25,861 वोट मिले और शुक्ला को मिले 22,163 वोट। सातवें राउंड में भार्गव को मिले 25,523 वोट और शुक्ला को मिले 20,600 वोट। आठवें राउंड में भार्गव को मिले 25,661 वोट और शुक्ला को मिले 18,427 वोट। और नौवें और आखिरी राउंड में भार्गव को 26,853 और शुक्ला को 18,618 वोट मिले। देखिए, पिछले 8-10 सालों से इस देश में ये माहौल और ये चर्चा है कि चुनाव अब मुद्दों पे हों, तो हमने केवल विकास को अपना मुद्दा बनाया था, भविष्य में होने वाले विकास की बात की थी। इसीलिए पूरे मीडिया जगत ने इस चुनाव को अभी तक का बहुत सौम्य, सभ्य और चुनाव घोषित भी किया है। तो जब मुद्दों पे बात होगी तो जनता की बातें भी आएंगी और जनता का भला भी होगा। सिर्फ आप ही नहीं, पार्षद भी लगातार बढ़त कर रहे हैं, 66 सीटों में इस वक्त आगे चल रहे हैं बीजेपी के। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंदौर की जनता बहुत बहुत जागरूक है, बहुत न्यायप्रिय है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 20 सालों में इंदौर में विकास किया है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश में किया है, यहाँ के कार्यकर्ता जो विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन उन कार्यों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, जनता ने उसी का आशीर्वाद और प्रतिसाद दिया। कांग्रेस के संजय शुक्ला भले ही हर मामले में बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव पर भारी पड़े हों, लेकिन जीत के मामले में इंदौर की जनता ने पुष्यमित्र पर दिल खोलकर फूल बरसाए। गैर राजनीतिक होने के बावजूद भी पुष्यमित्र भार्गव की ये जीत इसलिए आसान हुई क्योंकि पुष्यमित्र के पीछे बीजेपी के कैडर के साथ आरएसएस का सपोर्ट भी था। प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने की वजह से इंदौर नगर निगम सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी, इसलिए प्रदेश से लेकर स्थानीय नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया था, जिसका नतीजा रिकॉर्ड मतों से मिली जीत के तौर पर सामने आया। टीम न्यूज़ स्टेट।